तो कैसे हैं, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने। और करंट अफेयर इन 2 मिनट्स के अंतर्गत, आप लोगों को 2 मिनट के अंतर्गत कुछ करंट अफेयर्स बताए जाते हैं डेली बेसिस पे। चल के शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट में 26 से ज़्यादा करंट अफेयर इन 2 मिनट्स हैं, उसे आप सबको नोट करेंगे तो बड़े हेल्दी मजबूत करंट अफेयर आपके तैयार होंगे। डेली बेसिस से मॉर्निंग में ये लेक्चर आता है। तो पहला आज है नोबेल प्राइजेज मिल रहे हैं भाई। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो गया है और 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। इस बार लगभग हर पुरस्कार लगभग 3 लोगों को गया है अब तक। अकिरा योशिनो, ये जापान के हैं। एम एस स्टैनली विटिंगम, ये ब्रिटिश मूल के हैं, अमेरिकन। और जॉन बी गुडनफ, ये जर्मन मूल के अमेरिकन। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है लिथियम बैटरी के ऊपर कार्य करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। आप लोगों को पता है लिथियम बैटरी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके लैपटॉप मोबाइल में जो बैटरीज होती हैं, ये रीयूजेबल, जो बार बार चार्ज होती है, लिथियम बैटरी होती हैं। और इसने मनुष्य की समस्याओं को काफ़ी आसान किया है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। तो इन इसके ऊपर कार्य करने के लिए इन 3 लोगों को मिला है। इसमें जो जॉन बी गुडनफ है, इनका एक नया अनोखा रिकॉर्ड है। सबसे अधिक उम्र में पाने वाले ये नोबेल पुरस्कार विजेता है केमिस्ट्री में। 97 ईयर्स के हैं ये, जो इनको ये प्राइज़ मिला है, है ना। सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं या वैज्ञानिक बन गए हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है हमारे एयर मार्शल, बहुत प्रसिद्ध एयर मार्शल अर्जन सिंह जी, जिनका निधन भी हो चुका है। और बहुत ही असम में इनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, एयरबेस भी है। इनके नाम पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, क्यों किया, बिकॉज इनका 100वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जा रही है, है ना। 100वां जन्म वर्षगांठ मनाया गया अभी हाल ही में, इसलिए उनके इस उपलक्ष्य पे डाक टिकट जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जन सिंह जी के ऊपर किया गया, हमेशा क्वेश्चन इनके ऊपर आया है। इसके बाद है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी, ये होती है हर साल, और ये पांचवी बार ये सम्मेलन हुआ है। इस बार भारत में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेपर में आ सकता है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है। तीनों करंट अफेयर समय कम से कम, लेकिन लिखते रहिएगा। और अन्य वीडियो जो आपने छूट गए हैं वो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।